क्या बात है बेटा? जब से तुम अमेरिका से आए हो चुप चुप हो, घर से बाहर भी नहीं निकलते। आखिर बात क्या है? कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। अम्मा, टेंशन तो यही है कि मैं वापस अमेरिका नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? लेकिन क्यों बेटा? अम्मा, आपको तो पता है कि शिप की नौकरी करते हुए मैं शिप से अमेरिका गया, वहाँ स्लिप हो गया और पकड़ा गया। उन्होंने तो मुझे डिपोर्ट कर दिया, मैं वापस नहीं जा सकूंगा। भाई, हमने तो बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे आपके अमेरिका रहने के दौरान। अरे दफा कर अमेरिका को। ऐसा करो बेटा कि तुम शिप की नौकरी दोबारा कर लो। अम्मा, जिस दिन मैंने शिप से पहला कदम अमेरिका पे रखा था ना, मेरी शिप की नौकरी उसी वक्त चली गई। हाय अल्लाह, ये नौकरी भी चली गई? भाई अब क्या करोगे आप? बेटा, या तो तू कोई नौकरी ढूंढ ले या कोई कारोबार शुरू कर दे, ऐसे घर में कब तक घुसा बैठा रहेगा? अम्मा, ये 20-30 हज़ार की नौकरी मैं नहीं कर सकता। डॉलर्स में तनख्वाह लेता रहा हूँ, मैंने डॉलर्स कमाए। नौकरी भी नहीं ढूंढोगे, अमेरिका भी वापस नहीं जाना, शिप की नौकरी भी खत्म हो गई, तो बेटा आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी करूँ। क्या शादी? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ऐसे में तुझे शादी की सूझ रही है? अम्मा, सेट होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया। आप किसी ऐसी फैमिली में मेरा रिश्ता करवा दें जो या तो मुझे बाहर भिजवा दे या फिर मेरा कारोबार सेट करवा दे। तो बेटा, ऐसी फैमिली में कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? अम्मी, रिश्ते करवाने वाली औरत से बात करें ना, उनके पास तो आते होंगे ना ऐसे रिश्ते। चलो देखते हैं, करती हूँ मैं किसी रिश्ते वाली से बात, बुलाती हूँ उसे। चाय पियो। यार, मैं शॉप पे हूँ, तुम्हें पता है ना कि सेठ नाराज होता है। जल्दी बोलो, आखिर कब करोगे तुम मुझसे शादी? कब से डाले जा रहे हो तुम मुझे? साजिद, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बस बस अब तुम्हें जो भी करना है ना, तुम जल्दी करो। तो मैं कौन सा सुकून से हूँ तुम्हारे बगैर? बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और फिर टाइम? तुम बस टाइम ही मांगते रहना मुझसे। यार, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे माँ बाप हमें एक नहीं होने देंगे। लेकिन हमें एक होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, कोई आ गया। ओके। काम कर लो, हर वक्त कॉल पे बात करते रहते हो, काम पे भी ध्यान दे दिया करो थोड़ा। ये देखिए, अरे 14वीं की चांद की तरह है लड़की। अगर ये लड़की आपके घर में शादी होके आ गई तो सारा घर रोशन हो जाएगा। वाकई लड़की तो बहुत प्यारी है। आप ये बताएं कि लड़की वालों की हैसियत क्या है और लड़की का बाप क्या करता है? लड़की के वालिद सरकारी मुलाजिम थे, अभी रिटायर हुए हैं। भाई ऐसे तो हमारे खानदान में ढेरों लड़कियां हैं, एक से एक खूबसूरत। फिर आप ही बता दें किस तरह की लड़की चाहिए। भाई मैंने तो रिश्तों की दुकान खोली हुई है, हर तरह के रिश्ते हैं मेरे पास। बहन, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी फैमिली वाली लड़की का रिश्ता चाहिए जिसके वालदैन मेरे बेटे को या तो बाहर भेज दें या फिर यहाँ कोई कारोबार करवा दें। अरे भाई, फिर इस रिश्ते के लिए तो मेरी फीस डबल होगी। फीस की तो आप फिक्र ही ना करें, मैं डबल फीस भी दूंगी और उसके साथ साथ आपको इनाम भी। अब बताएं आप कि कब दिखा रही हैं रिश्ता? फिर एक दो दिन में मैं आपको बताती हूँ ऐसा रिश्ता। बस फिर आप लड़की वालों से मैं मिलवा दूंगी आपको। भाई हमें ज़रा जल्दी है। वैसे एक रिश्ता है मेरे जहन में, मैं जाती हूँ और जाके उनसे बात करती हूँ, हो सकता है कि कोई बात बन जाए। ठीक है, अगर कोई बात हो जाती है तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। बस मेरी फीस और इनाम का इंतज़ाम करके रखिए, मैं चली ला बेटा। ठीक है। देखा माँ, मैं कह रही थी ना
ये रिश्ते वालियाँ निकाल लाती हैं कोई ना कोई रिश्ता। देखो बेटा अब क्या होता है। अच्छा चाय ला दो मुझे। मैं आपसे फिर कह देती हूँ, आप जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दें, वरना वो झोपड़ी वाला शादी उसे ले उड़ेगा और हमारे ख्वाब धरे के धरे ही रह जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं बात कर लूंगा साजिद के बच्चे से भी। पता नहीं हमारे ख्वाब क्यों मलिया मेट करने पे तुला हुआ है वो। और आप भी ना थोड़ी सख्ती करें अपनी लाडली पर, समझाएं उसे। ओहो, अरे भाई तुम बात समझती नहीं हो, अगर मारिया पर सख्ती करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। तो फिर क्या करेंगे आप, क्या सोचा है आपने? असल में मतलब का रिश्ता भी तो नहीं मिल रहा है ना। अब ऐसे घर में बैठे बैठे तो रिश्ते आने से रहे। करती हूँ मैं कुछ, सोच सोच के टेंशन हो रही है मुझे। तो तुम क्या करोगी? क्या करूँगी, किसी रिश्ते वाली से बात करूँगी और क्या। ऐसे घर में बैठे बैठे कोई रिश्ते तो आने से रहे। ठीक है, तुम जल्दी रिश्ते वाली औरत से बात करो। करती हूँ बात। मैं चलता हूँ, देर करूँगी। अरे भाई अब क्या सोच रही हो? तुम्हारी डिमांड के मुताबिक मेहनती पढ़ा लिखा और काबिल लड़का अमेरिकन रिटर्न का रिश्ता लेकर आई हूँ। भाई सच पूछो तो मुझे रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन मैं मारिया के अब्बू से जरा बात कर लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। देखो जो भी फैसला करना है ना जरा जल्दी करना। अरे लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी है, इधर विधर और भी लड़कियां देख रहे हैं वो लोग। जल्दी तो खैर हमें भी है, लेकिन मारिया के अब्बू से बात कर लूँ ना फिर फोन करके तुम्हें बता दूंगी। चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अरे बैठो जरा। ये लो। अरे रख लो, इतनी भाग दौड़ करती हो खर्चा करती हो ना, ये उसके पैसे। और हाँ रिश्ता पक्का हो गया ना तो तुम्हारी मिठाई के पैसे और तुम्हारी मेहनत के पैसे सब अदा करूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे लड़के से रिश्ता करवा रही हूँ कि जिंदगी भर दुआएं दोगी। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। जुबैर साहब जैसा रिश्ता हमें चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है, मेरे ख्याल में हमें और देर नहीं करनी चाहिए। अरे बेगम फैसला तो आपका चलता है भाई, हम तो फैसले पर चलते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, बुलवा लो उन लोगों को। हाँ हाँ बुलवा लो भाई, लड़के वालों को फौरन बुलवा लो, बिस्मिल्लाह करो, ये नेक काम में क्या है की देर। तो ठीक है कल शाम को उन्हें चाय पे बुलवा लेती हूँ। क्यों भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? देखा आपने कितना नागवार मुंह बना के चली गई, आपकी लाडली तो हमारी सारी मेहनत ही बर्बाद कर देगी। ना अच्छा रिश्ता आया और ये इसके नखरे नहीं मिल रहे। अरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मान जाएगी ये, हम कह रहे हैं ना आपको। देखो बेटा हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और खुशहाल भी। साजिद ना तुम्हें खुशियां दे सकता है और ना खुशहाली। हम ये सब जो कर रहे हैं उसमें सबकी खुशी है बेटा, और ये मोहब्बत प्यार ये सब बेकार की बातें हैं। दो दिन झोपड़े में रहोगी ना तो इश्क और मोहब्बत का सारा बुखार उतर जाएगा तुम्हारा। उदास हो तुम्हारा बेटा, आज तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी जो हम कर रहे हैं, लेकिन इतना याद रखो कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। मारिया ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, अमेरिका रिटर्न है, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी बेटा।
भाई बेगम ऐसा करते हैं कि कल लड़के वालों को बुलवा लेते हैं, और बेटा तुम लड़की को गौर से देख लो, ठीक है? फिर जो तुम्हारी समझ में आए। बस अब देखना दिखाना क्या, लड़का बहुत अच्छा है, मैंने फाइनल कर दिया है, और वैसे भी अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। बेटा, अरे बहन, ऐसे रूह के मुंह तो मैं कुछ भी नहीं फूटूंगी, पहले मेरा मुंह मीठा करवाओ। हाँ हाँ भाई, मुंह भी मीठा करवा देंगे। ये बताओ कि खुशखबरी क्या लाई हो हमारे लिए? अरे खुशखबरी ये है कि तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई। लॉटरी? लड़की भी बहुत खूबसूरत है और घर वाले भी बहुत शरीफ है और बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। भाई ये बताओ कि लड़की वालों की हैसियत क्या है? हैसियत सुनोगी ना तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। तुम तो भाई बहुत ही पहेलियां बुझवा रही हो, बताओ ना। सुनार है सुनार, खानदानी सोने का काम करते हैं और सोने पे सुहागा के लड़की भी इकलौती है। बात हुई तुम्हारी उनसे? लो, बात बात क्या करनी है? अरे मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, इतनी तुम लोगों की तारीफ की है कि वो तुम लोगों से मिलने पे मजबूर हो गए। तो फिर कब चले हम उनके घर? आज शाम को बुलाया उन्होंने चाय पे, और अब जो भी मालूम आते जो भी बात करनी है वो उनसे मिल के तय कर लीजिएगा आप। भाई मैंने तो अपनी दिहाड़ी हलाल कर ली है। अच्छा अच्छा, ये लो भाई, तुम अपना मुंह मीठा कर लेना मिठाई के पैसे। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा हाँ, ये ले, इसमें उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर है, ठीक है? और याद से शाम को चली जाइएगा, ठीक है? हाँ भाई, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्यों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा हो गया। बस बेटा तैयारी कर लेना, शाम को चलना है। हाँ इंशाल्लाह। तो आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? हाँ मैं ही कह रहा था कि हमें बहुत खुशी इस रिश्ते से, और हमें मंजूर है, और हमें ऐसे ही काबिल और होनहार दामाद की ज़रूरत थी। बिल्कुल बेटा, हम आपको बैरून मुल्क भिजवा सकते हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को दूर भेजना नहीं चाहते। हाँ अगर तुम बिजनेस करना चाहो तो निकाह के बाद मेरे साथ गोल्ड का बिजनेस कर सकते हो, तजुर्बा भी हो जाएगा, और बेटा आखिर तुम्हें तो संभालना ही सारा कारोबार। जी, और हमारी बेटी दामाद हमारी नजरों के सामने भी रहेंगे। आप लोग हमारे बड़े हैं, आप लोग जो फैसला करेंगे हमें कबूल। माशाल्लाह। अब रसम कर लेते, मेरा तो ये ख्याल था। देखिए मेरी बहन, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, और ये रस्म और ये लेन देन और ये जहेज हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, हम लोग इसके खिलाफ। लेकिन एक रस्म है जो हमें मजबूरन अदा करनी पड़ती है। और कैसी रस्म? जब लड़की की बात पक्की होती है हमारे यहाँ, तो लड़के वाले अपनी हैसियत के मुताबिक जेवरात वगैरह लेके आते हैं, जो हमें अपने ख़ानदान में दिखाने होते हैं, ताकि लड़के की हैसियत का अंदाज़ा हो सके। ठीक है बहन, जितनी मेरी हैसियत होगी मैं ज़रूर करूँगी। अरे बहन आप जहमत ना करें, तुम भी देखिए, हम अपना जेवर आपके नाम से दिखा देंगे, रस्म भी पूरी हो जाएगी और आप परेशानी से बच जाएंगे। भाई हम इतने गिरे पड़े लोग नहीं हैं कि जेवर भी नहीं दे सकते। मैं कल ही वसीम के हाथ आपके घर जेवर भेज दूँगी। चले जैसे आपके पास। ठीक है बहन, कल आप भिजवा दीजिएगा जेवर, और फिर दो चार दिन में वापस मंगवा लीजिएगा। रुखसती के वक्त आपको चाहिए होगा ना? रुखसती का क्या इरादा है आप लोगों का? देखो कल रस्म है, हम ख़ानदान वाले जब बैठेंगे ना तो मशवरा करके जो डेट फिक्स होगी वो आपको बता देंगे। ठीक है भाई साहब, जो भी बात हो ना मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल ज़रूर। चाय पीजिए ना, बिस्किट वगैरह लें। बहुत ही अच्छे लोग थे, बड़ी खातिर तवाज़े की है हमारी। अम्मा देखा आपने कितना बड़ा घर था उनका, और फर्नीचर भी यहाँ का नहीं था। बस बेटा अब तुम दिल लगा कर काम करना उनके साथ, और उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वैसे भी फिर सब कुछ हमारा ही होने वाला है। अम्मी मारिया कितनी प्यारी लग रही थी ना,
और दोनों माँ बेटी सोने में लदी हुई थी। ये बात तो है। अरे भाई सुनार हैं, सोने का काम है, उनके लिए सोना आम सी बात है। लेकिन अम्मा हमें भी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जेवर देना पड़ेगा ना। तो तुम क्यों फिक्र करते हो? अरे आपदा का और मेरा जेवर है ना, इसके अलावा इधर उधर से थोड़ा बहुत जेवर और जमा कर लूंगी। एक ही दिन की तो बात है, अगले दिन हम वापस कर देंगे। मगर अम्मी और भी तो अखराज आते हैं, वो हम कहाँ से करेंगे? देखिए अम्मा इसको, अरे तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि हम सारे काम आराम से कर लेंगे। तो फिर तुम ऐसा करो बेटा कि कल ही जेवर उनके घर पे पहुंचा दो, क्योंकि उनके ख़ानदान वाले जमा होंगे हमारी हैसियत देखने के लिए। बस अल्लाह हमारी इज्जत रखे। अरे आप परेशान क्यों होती हैं अम्मा? आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है, एक तो इंजीनियर और उस पर अमेरिका रिटर्न। तो और क्या, जब भी तो वो लोग आंखें बंद करके बेटी देने के लिए तैयार हो गए मेरे भाई को। ये बात तो है। अच्छा अम्मा मैं ज़रा चेंज करूँ।